अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। देखें, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ वाइट ग्राही, और वाइट ग्राही तो जिसकी भी हो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखें, बहुत मज़े खाने में भी बहुत मज़े की और लजीज लगती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। वाइट ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो है वो गोश्त बीफ को जो है वो प्रेशराइज करना है, उसे गलाना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो बीफ, और इस 1.5 किलो बीफ के साथ जो है वो 1/2 किलो प्याज वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हसब ज़रूरत इसके अंदर नमक आप ऐड कर देंगे, और 2 ग्लास पानी इसके अंदर जाएगा ताकि ये जो है वो गल जाए। तो हमने इसे सिर्फ प्रेशराइज करना है इतनी देर कि गोश्त हमारा गल जाए। उसमें तकरीबन 7 से 10 मिनट लगते हैं। तो आइए इसे प्रेशराइज करते हैं। तो ये हमने गोश्त जो है वो प्रेशराइज कर लिया था, तो मैंने इसको एक अलग गेचकी में निकाल लिया है। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका ये सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ आप जो है ना फ्लेम हाई कर लें ताकि जल्दी जल्दी से ये जो है ना वो पानी इसका खुश्क हो। तो ये अब इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन इसके अंदर 1 कप ऑयल, इसके अंदर 1 कप ऑयल दिया है, और हमने अब इसको भूनना है इसके अंदर ही। इसके साथ ही हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच, ताकि ये भी अंदर ही साथ ही जो है जब तक हम गोश्त बनाई करें तो अदरक लहसुन जो है ना वो भी अंदर साथ ही भून जाएगा। वाइट ग्राही बनती बहुत यमी है, बहुत इजी रेसिपी है, और खाने में भी उतनी ही लजीज लगती है। ये हमें 5 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब इस वक्त हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो है 1 पाव हमारे पास दही था, हमने उसको अच्छे से फेंट लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे सारा। और इसके साथ ही इसके अंदर 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये चाय के चम्मच थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब हमने इसको दही के साथ ही पकाना है तब तक कि जब तक ये दही का भी जो पानी है वो भी खुश्क नहीं हो जाता अच्छे से। तो ये देखें, दही ने अपना पानी जो है वो दही का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि ये स्पाइसी नहीं होता, इसका बहुत क्रीमी सा टेक्सचर होता है, नमकीन क्रीमी सा टेक्सचर। तो हम इसके अंदर, अगर किसी को स्पाइसी नहीं पसंद है तो ये हमने उसके अंदर 5 से 6 जो है वो साबुत हरी मिर्चें डाली हैं। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये तकरीबन 1 फ्रेश क्रीम का पैकेट था 200 ml का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा। हमने इसके अंदर, आपने देखा होगा कि सिर्फ ऑयल 1 कप डाला था, ठीक है। ऑयल इसके अंदर कम डालने की रीज़न ही ये थी कि क्योंकि दही भी इसके अंदर जाना था, इसके अंदर क्रीम भी जानी थी, तो वो ऑलरेडी इतना थिक और इतना उसके ऊपर ऑयल आ जाएगा जब ये तैयार होगा, तो इसलिए फिर हमने इसके अंदर पहले ही ऑयल जो है वो कम डाला था। तो ये क्रीम डालने के बाद, हल्के से मिक्स करने के बाद, हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और तो ये देखें, क्रीम जो है इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है, और अभी देख रही है इसके ऊपर घी नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच नींबू का रस है वो इसके अंदर ऐड करके इसको हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे जो है वो दम पे लगा देंगे 5 मिनट के लिए। तो अब ये दम पे, तो 5 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए इसको, और ये जो सालन है वो अब हमारा बिल्कुल पक के जो है वो तैयार हो चुका है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत मज़े की लगेगी, बहुत आसानी से बहुत जल्दी भी बन जाती है, और खाने में भी ये उतनी ही मज़े की और यम्मी लगती है। ये देखिए, तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वाइट कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।